बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डायमंड स्टार विद हर न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ लेटेस्ट अपडेट शेयर करने वाली हूँ स्टाइपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलरशिप के लिए। यस वेट, स्टाइपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलरशिप ओपन हो चुकी है TPF पोर्टल पे भी, HSC पोर्टल पे भी। अब आप लोग का सिर्फ अप्लाई करना है, लेकिन वेट, इतनी जल्दी जल्दी मत भागे, पहले सुन लें कि अपडेट्स क्या हैं। अपडेट्स में गुड न्यूज़ भी है, बैड न्यूज़ भी है, दोनों बताऊंगी, लेकिन स्टार्ट हम गुड न्यूज़ से करेंगे और फिर हम बैड न्यूज़ पे आएंगे, ठीक है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी कंप्लीट बातें बताऊंगी, क्या क्या न्यू अपडेट्स आई हैं, इसके अलावा अप्लाई कैसे करते हैं, लेटर ऑफ मोटिवेशन कैसे लिखना है, डॉक्यूमेंट्स। तो एक बड़ी फ्रेश वीडियो होने वाली है। प्रीवियस वीडियोज़ तो आपने देखी होंगी, लेकिन इसमें भी बड़े अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, तो इसको वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब मैं चैनल येट, तो अब भी जाएं, अब भी सब्सक्राइब करें, वरना मैं नहीं बना रही कोई भी वीडियो। ओके, ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। अच्छा, अब आप लोगों ने मेरे चैनल पे देखा होगा, प्लेलिस्ट तो मैंने पूरी बनाई हुई है स्टाइपेंडियम हंगेरिकम के नेम से। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को प्रॉपर स्टेप वाइज गाइडेंस चाहिए, तो आप मेरे चैनल पे जाके वो पूरी लिस्ट देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा इस वक्त, तो ये पूरी प्लेलिस्ट है। अगर आपको कंफ्यूजन है ना कि कौन सा स्टेप कैसे होगा, लाइन वाइज आप उसको देखते जाओ, ठीक है। आपको लाइन वाइज ही वो सारी वीडियोस मिलेंगी, तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन की बात नहीं है, ठीक है। आप सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं। कुछ दिनों पहले तक HSC का पोर्टल नहीं खुला हुआ था, आप लोग इतना परेशान हो रहे थे। डोंट वरी, एप्लीकेशंस ओपन हो गई हैं। डेडलाइन अप्लाई करने की 15 जनवरी है, लेकिन खुदा के वास्ते 15 जनवरी का वेट मत करें। मैं कहती हूँ ऑलमोस्ट 10 जनवरी तक अपनी फाइनलाइज करके सबमिट कर दें, क्योंकि लास्ट में पोर्टल डाउन हो जाते हैं। फिर आप लोग कहते हैं कि भाई मैम पोर्टल चल नहीं रहा, पोर्टल पे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। अपने आप को भी सुकून में रखें, मुझे भी सुकून में रखें, और प्लीज़ अप्लाई कर दें, ठीक है। 10 तक कर दीजिएगा, 10 जनवरी तक, अभी अच्छा खासा टाइम है। चले, लेट मी ब्रेक द आइस। गुड न्यूज़ क्या है? तो गुड न्यूज़ ये है कि HSC ने काफ़ी टाइम पहले BS इंजीनियरिंग की सारी डिग्रीज हटा दी थी, ठीक है। लेकिन इस साल से दोबारा से BS इंजीनियरिंग इंट्रोड्यूस कर दी गई है। लेकिन अब इसमें क्या चीज़ है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है मामला। सिर्फ दो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको अलाउ किया गया है कि अगर आप इन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं, तो वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल उन्हें रिकग्नाइज़ करेगी। वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं? एक है यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रिसन, जो कि बहुत मशहूर है, एंड दूसरी मेरी यूनिवर्सिटी, पता नहीं भाई अपनी यूनिवर्सिटी सबको बुरी लगती है, BME। BME इज़ लाइक बुदापेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। तो ये दो यूनिवर्सिटीज़ हैं। बट अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई करना चाहते हैं इंजीनियरिंग में, तो उसमें ये क्लियरली लिखा गया है कि येस यू कैन अप्लाई बट ऑन योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। अरे कर दें, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, वो भी तो स्टूडेंट्स थे ना पहले, जिनको ये कहा गया था अब तो PEC रिकग्नाइज नहीं कर रही, दिस एंड दैट। उनकी अभी तक डिग्रीज भी कंप्लीट नहीं हुई और PEC ने रिकग्नेशन दे दिया, तो आप लोगों की भी हो जाएगी। और उसमें बस ये कि आई थिंक इन दैट केस यू विल हैव टू प्रोवाइड वन लेटर, जिसमें आप कहेंगे कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता हूँ या लेती हूँ कि मैं इस यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग कर रही हूँ और इस टाइम पर ये PEC इसे रिकग्नाइज नहीं करता, एंड दिस एंड दैट। दे दें बट करें इंजीनियरिंग, ठीक है, रिकग्नाइज भी हो जाएगा। तो ये तो हो गई गुड न्यूज़। और इसके अलावा हाँ, प्रोफेशनल पायलट वगैरह ये सारी डिग्रीज भी अब अवेलेबल हैं, ठीक है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, गुड न्यूज़ हो गया, लेकिन कंपटीशन उतना ही बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स नहीं होते थे, अब वो हो जाएंगे। अब बैड न्यूज़ है मेडिकल फील्ड वालों के लिए, तो इसको भी मैं बता देती हूँ। बैड न्यूज़ ये है कि जितने भी लोग मेडिसिन, डेंटिस्ट्री या फार्मेसी में अप्लाई करते थे, वो सिंपली USET देते थे और वो आ जाते थे यहाँ पे। अब उनके लिए MD CAT या MCAT या SAT 2 या UCAT देना लाजमी हो गया है, और उसमें भी आपके 50% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उसमें, ये बाकी टेस्ट के लिए। और अगर आपने SAT 2 दिया है, उसमें 50% होने चाहिए ऑल सब्जेक्ट्स में, तो ये वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स है। ये लाइक आप कह सकते हैं प्रीलिमिनरी रिक्वायरमेंट है, ये तो आपने करनी करनी। इसके बाद USET से आप ये नहीं सोचें कि अच्छा जी MD CAT दे दिया तो अब मैं USET नहीं दे सकता। USET अलग से देना है, उसमें भी आपने अच्छे खासे नंबर लेने हैं। तो ये थोड़ा सा अब कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, वो अच्छे थे जो पहले आ गए, अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, लेकिन आई थिंक दैट्स अ गुड मूव। वरना ये एक तरह से नाइंसाफ़ी होती है उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान में इतनी मेहनत कर रहे होते हैं, यहाँ पे बच्चे सिर्फ एक छोटा सा USET दे के निकल जाते थे, तो ये चीज़ है। इसके अलावा अगर किसी के पास अगर डुअल सिटीजनशिप या लाइक पासपोर्ट है, तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा वैलिडिटी के बारे में थोड़ा सा मैं बात करती हूँ। MD CAT अगर किसी भी स्टूडेंट ने दिया है, वो 3 साल तक वैलिड रहता है। तो अगर आपने पिछले 3 सालों में दिया है और वो 15th of January तक वैलिड है, तो वो आप उसमें काउंट कर सकते हो। USET 1 साल के लिए वैलिड रहता है, यानी अगर आपने 15 January 2024 के बाद से कोई अगर दिया है, तो वो अभी तक वैलिड है। हैड 2 ईयर्स के लिए वैलिड रहता है, तो यानी कि अगर 15 January 2023 में अगर के बाद अगर किसी ने हैड दिया, तो वो भी वैलिड होगा इसके लिए, ठीक है, आफ्टर की मैं बात कर रही हूँ। इसके अलावा अब जो है ना, स्टूडेंट्स ने आजकल एक और भी प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है, मैम अब टेस्ट होगा नहीं होगा, कैसे होगा? भाई
हौसला करें, अभी टेस्ट होना है, एक लास्ट अपॉर्चुनिटी आपके पास है जो कि 2 फेब को होगा, संडे बन रहा है आई थिंक ना, तो 2 फेब को वो टेस्ट होगा, उसमें अच्छे मार्क्स लें और उसके बाद आपकी फाइनल नॉमिनेशन होगी, ठीक है। 15 जनवरी को एप्लीकेशंस क्लोज, बेशक आप कोई मार्क्स अपलोड ना करें, देन आगे चल के आपका जो टेस्ट होगा वो ऑटोमेटिकली रिकंसिडर हो जाएगा उसके लिए, ठीक है। बेशक आप इम्प्रूव करना चाह रहे हो या आप दोबारा देना चाह रहे हो, सो डोंट वरी, ठीक है, वो आपके पास होगा। एंड देन उसके तकरीबन 1 महीने बाद नॉमिनेशंस आ जाएंगी HSC की तरफ से। बट ये बात आपने याद रखनी है, ये स्कॉलरशिप टोटली बेस करती है यूसेट या हैट के मार्क्स पे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉमिनेशन यूसेट और हैट के मार्क्स पे होती है। सो इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर योरसेल्फ बेस्ट, अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, ठीक है। एंड इफ़ यू थिंक के नहीं प्रिपरेशन नहीं हो पा रही, यू नीड सम हेल्प, सो मैं और मेरी बहन डॉक्टर हरीम, वी आर टुगेदर मेकिंग स्टूडेंट्स प्रिपेयर फॉर दिस टेस्ट। अगर आप अच्छे नंबर्स लेना चाहते हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम @diamondstar48 एंड मेक श्योर करें कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो। आई एम यूजिंग पास्ट पेपर्स एंड अकॉर्डिंग टू जो भी सिलेबस उसके HSC का आता है वो मैं यूज़ कर रही हूँ, मॉक टेस्ट्स हैं और बिल्कुल लाइक जो आपके टेस्ट में आता है वही सब चीज़ें हैं, ठीक है। उसका मैंने प्रॉपर एक फ्लायर बनाया हुआ है, वो आप मेरे इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। सो जस्ट 10,000 में ये प्रिपरेशन मैं करवा रही हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम एंड यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ। और मैं यही आप लोगों को रेकमेंड करूँगी कि अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दें, क्योंकि आगे चल के बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अभी देयर आर सर्टन थिंग्स, ऐसे राइटिंग की क्लासेज मैं करवा रही हूँ स्टूडेंट्स को, आपको बहुत से एरियाज पे वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो ये तो हो गया टेस्ट के बारे में। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है उसके लिए ये वीडियो आप ज़रूर देखें जो मैं आप लोग को बता रही हूँ। इसमें आपका मेडिकल फॉर्म है, इसको आपने कहाँ से डाउनलोड करना है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे चुकी हूँ, मेरे इंस्टाग्राम पर भी गिवन है, ठीक है। इसके अलावा मेडिकल फॉर्म को कैसे फिल करें उसके लिए ये वाली वीडियो देखें। फिर आप कहते हैं कि लेटर ऑफ मोटिवेशन कैसे लिखना है, इसके लिए ये वाली वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, यू कैन सी दिस वन। बट स्टिल अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन रिव्यू करूं या आपको लिख कर दूं, सो यस मैं पेड सर्विसेज दे रही हूं, सो यू कैन अप्रोच मी अगेन ऑन माय इंस्टाग्राम, DM करें और मैं आप लोग को रिव्यू भी करके दे दूंगी एंड लिख के भी दे दूंगी। अगेन इट्स अ पेड सर्विस, ठीक है। देन TPF और HSC के पोर्टल पे अप्लाई करने का पूरा मैंने बताया, लाइक दिस वीडियो इज़ फॉर TPF एंड दिस वीडियो इज़ फॉर HSC। तो अगर आपको इसमें भी प्रॉब्लम आ रही है एंड यू वॉन्ट मी टू अप्लाई ऑन योर बिहाफ, तो वो भी पेड सर्विसेज हैं, आई विल अप्लाई ऑन योर बिहाफ, ठीक है। इसके अलावा आप लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ का भी क्वेश्चन करते हो कि ये टेस्ट कैसे होगा, इंटरव्यू कैसे होगा यूनिवर्सिटी का। वंस आप नॉमिनेट हो जाएंगे तो आपका टेस्ट और इंटरव्यू कैसे होगा, इस पे ये वाली वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। अगर आपको बहुत ऐसे फीलिंग आ रही है कि हम देखें ये क्या है, तो वो बहुत ईजी है, बहुत ईजिली हो जाता है, उसमें कोई इतना घबराने वाली बात नहीं है। ऑनलाइन ही टेस्ट होगा, ऑनलाइन इंटरव्यू होता है, तो यू विल एस इट, ठीक है। और उस पर भी वीडियो है, आप ये देख सकते हैं। अगेन डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन वो बहुत बाद में जाके रिक्वायर्ड है, अभी रिक्वायर्ड नहीं है, वो वीज़ा पर्पस के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो अब आप ऐसे भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना चाहते हो कर दो। अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है उसके लिए डेक्लेरेशन कैसे अपलोड करनी है वो आप इस वीडियो में देख सकते हो, ठीक है। सो आई होप मैंने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। तो अब आप लोग किस चीज़ का वेट कर रहे हो, अभी से अप्लाई कर दो, क्योंकि बाद में पोर्टल ने बंद हो जाना है, फिर आप लोगों ने कहना है कि पोर्टल काम नहीं कर रहा। बाय 10th of January, ये मेरी बहुत अच्छी आप लोगों के लिए एडवाइस है, प्लीज़ बाय 10th of January अपनी एप्लीकेशंस को पूरा कर लें। कोई भी सर्विसेज, पेड सर्विसेज मेरे साइड से चाहिए, DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम @diamondstar48, ठीक है। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की मजीद वीडियोज़ आप लोग के लिए लाऊं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख के बताएं। और लाइक जॉब्स इन हंगरी या कॉस्ट ऑफ लिविंग किस तरह से है, एक एक चीज़, या फिर मेडिकल अपॉर्चुनिटीज़ इन दिस स्कॉलरशिप, एक मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ इंटरव्यू, सो जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।